और आपने ये आज जो डिसीजन लिया है कि आप सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपने पहला कदम उठाया है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आकर और इस सेमिनार का पार्ट बन के तो जैसा विजय सर ने कहा बढ़ा बधाई के पात्र हैं तो वो तो हैं ही आप और उसके अलावा जो है जैसा विजय सर ने आपको बताया कि इसमें प्रक्रिया मायने रखती है प्रोसेस और प्रोसेस में क्या करना है बहुत सरल से स्टेप्स हैं जैसा विजय सर ने बताया कि सिलेबस है सिलेबस में जो लिखी है चीज़ें वो चीज़ें आपको पढ़नी हैं आपको जर्नलिस्ट बनना है हर सिलेबस में हर सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पर किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी आपको डीप में किसी में भी ज्यादा नहीं घुसना है जितना सिलेबस में दिया है उतना आपको पढ़ना है यहाँ सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स होंगे साइंस के भी होंगे आर्ट्स के भी होंगे ह्यूमैनिटीज uh, के हैं स्टूडेंट सब तरह के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी होंगे और उनके मन में ये डाउट होगा जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स के मन में ये हो सकता है ये डाउट हो मैं हिस्ट्री कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा और जिनके पास हिस्ट्री रहा हो आर्ट्स के सब्जेक्ट रहे हो उनके मन में ये डाउट हो सकता है मैं साइंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो सबको सब कुछ नहीं आता पर यहाँ जब आप तैयारी शुरू करते हो तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में हैं वो धीरे धीरे आपको आ ही जाते हैं और इतना आ जाते हैं कि आपको आर एस में सिलेक्शन दिला दे तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना कि आप किस स्ट्रीम से हो क्या आपके पास ग्रेजुएशन के टाइम पे था सब्जेक्ट या कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके जो रिजल्ट होते हैं या आपकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती कुछ लोग तो टॉपर्स होते हैं बट सबकी परसेंटेज बहुत हाई नहीं होती और उस लो परसेंटेज की वजह से कभी आप अपने आप को कम ना आके ये हो सकता है उस समय की परिस्थिति कुछ अलग रही हो उस समय आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो किसी भी कारण से तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप आप आगे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे सकते आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो ये एक प्रक्रिया है एक प्रोसेस है जिसमें आपको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सिलेबस की तैयारी करनी होती है इसमें आपका पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है ये मायने नहीं रखता मायने क्या रखता है जिस दौरान आप तैयारी कर रहे हो उस दौरान आप अच्छे से तैयारी करो पूरा दृढ़ निश्चय होकर इधर उधर भटकना नहीं लक्ष्य एक तो बड़ा होना चाहिए और दूसरी चीज जो है लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ आपको क्या चाहिए आपके जीवन से उसमें अगर स्पष्टता होगी तो आप जरूर अपनी मंजिल को हासिल करेंगे केवल लक्ष्य बड़ा नहीं रखना बड़ा रखने के साथ साथ क्या रखना है स्पष्ट रखना है क्लैरिटी होनी चाहिए विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए तभी आपने अपनी मंजिल तक आप पहुंच पाओगे आपने सुना होगा जहां चाह है वहां राह है जहां आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हो वहीं पर आपको रास्ता मिलता है राह मिलती है और आपने पहला कदम उठा दिया है आपने राह चुन ली है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है और तैयारी स्टार्ट करनी और ये यकीन मानिए ये जो आपने राहें चुनी हैं ये आपको मंजिल तक जरूर लेकर जाएंगी टाइम ज़रूर लग सकता है पर आपको ये मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगी जैसा एक कोटेशन uh, uh, है कि ये राहें जो हैं ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी हौसला रखो ये राहें मंजिल तक ले ही जाएंगी हौसला रखो कभी सुना है अंधेरों ने सवेरों को ना होने दिया हो क्या अंधेरा कभी सवेरे को होने से रोक सकता है नहीं रोक सकता इसीलिए अगर आप पूरा दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करें तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता अभी बहुत से आलोचक होंगे आपके जीवन में बहुत से लोग रिश्तेदार फ्रेंड्स कि तुम क्या करने निकले हो तुम्हें नहीं पता कितना कंपटीशन है क्या तुम इस कंपटीशन को बीट कर पाओगे तुम क्या सेलेक्ट हो पाओगे हमारे मन में ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं हर किसी के मन में होते हैं और जब दूसरे आसपास के लोग हम पे शक करते हैं या हमारी जो काबिलियत है उसको पहचानते नहीं है तब हम भी थोड़े बहुत कई बार घबरा जाते हैं पर आपको उससे घबराना नहीं सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पे कभी भरोसा नहीं करेगी पहले आपको खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि आसपास के लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोलें आपकी कितनी भी आलोचना करें आपकी तैयारी के दौरान बहुत कुछ होगा आप घर जाओगे छुट्टियों में या इधर उधर जब जाओगे तो लोग कहेंगे ओहो एक साल हो गया तैयारी कर रहा है अभी तक कुछ नहीं हुआ तो रिजल्ट इतना जल्दी नहीं मिलता किसी को भी नहीं मिलता रिजल्ट इतना जल्दी तो रिजल्ट के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सब्र रखना पड़ता है धैर्य रखना पड़ता है तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है और एक व्यक्ति अपनी काबिलियत खुद ही पहचान के आगे बढ़ता है अगर वो खुद अपनी काबिलियत नहीं पहचानेगा तो दुनिया उसकी काबिलियत को कभी पहचान पाएगी कभी उसकी वैल्यू होगी जीवन में हमारी वैल्यू हम खुद करेंगे तभी तो दूसरे लोग हमारी वैल्यू करेंगे एक कहानी सुनाती हूँ आपको छोटी सी एक पिता और पुत्र की कहानी एक पिता थे उनके पास उनका पुत्र आकर पूछता है कि पिताजी मेरा मूल्य क्या है मेरी काबिलियत क्या है क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या करूं जीवन में तो पिताजी उसको समझाने के लिए उसको एक पत्थर दिया पिताजी ने और पत्थर देकर कहा कि बेटा ये पत्थर लेके तुम बाजार जाओ और बाजार में जाकर इस पत्थर को बेचो और बेचते समय तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें बोलना कुछ नहीं जो भी तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पूछे उसके सामने बस आप ये दो उंगलियां जाकर उसको दिखा दो कोई भी आपसे पत्थर का मूल्य पूछे आपको सिर्फ ये दो उंगली दिखानी वो बाजार जाता है बच्चा बाजार में जाकर उसे एक महिला जो है पत्थर खरीदने आती है वो पूछती है इसका मूल्य क्या है वो बच्चा बस दो उंगलियां जो है अपने दिखाता है तो महिला जो है उस दो से अंदाजा लगाती है क्या दो सौ रुपये का पत्थर है तो महिला ने उसका अंदाजा लगाया कि चलो ये दो सौ का पत्थर है वो बच्चा वापस भागकर पिताजी के पास गया और बोला पिताजी बाजार में किसी महिला ने इस पत्थर के दाम लगाए दो सौ फिर पिताजी ने कहा अच्छा इसी पत्थर को लेकर तुम तो म्यूजियम जाओ संग्रहालय जो होता है वहां जाओ म्यूजियम गया वो बच्चा म्यूजियम जाने पर उससे पूछा गया कि अच्छा ये पत्थर कितने में बेच रहे हो उसने वापस दो उंगलियां दिखाई और दो उंगलियां दिखाने पर म्यूजियम वाला जो व्यक्ति था उसने कहा अच्छा क्या ये पत्थर बीस हजार का है क्योंकि म्यूजियम में संग्रहालय में जो चीजें बेचने आते हो महंगी होती तो उन्होंने कहा क्या ये पत्थर बीस हजार का है तो वो वापस गया बच्चा भागते हुए अपने पिताजी के पास और बोला कि पिताजी अब इस पत्थर के मूल्य जो है म्यूजियम के अंदर बीस हजार रुपए लगाया गया है फिर उसके पिताजी ने कहा अब ऐसा करो तुम बहुमूल्य पत्थर वाला जो व्यक्ति है पत्थर खरीदने वाला जो व्यक्ति है उसके पास जाओ वो प्रीशियस स्टोन्स खरीदने वाले व्यक्ति के पास गया और वहां जाकर वापस उसने पत्थर दिखाया और मूल्य पूछे जाने पर उसने दो उंगलियां दिखाई और वहां प्रीशियस स्टोन की दुकान में उसके पत्थर का मूल्य आंका गया दो लाख रुपए और वापस आकर उसने पिताजी से कहा इस बार मेरे पत्थर का मूल्य जो है दो लाख रुपए आका गया है तो आपने देखा वो सेम पत्थर था बाजार में उसका मूल्य अलग था म्यूजियम में उसका मूल्य अलग था और बहुमूल्य पत्थर की दुकान पर उसका मूल्य अलग था तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मूल्य हो सकते हैं आपकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप किस स्थान पर जाकर अपने आप को रखते हो आप खुद अगर किसी निचले स्थान पर जाकर सेटल हो जाओगे जीवन में कोई लक्ष्य बड़ा नहीं रखोगे तो आपका कीमत आपकी वैल्यू केवल क्या रह जाएगी उसी निचले स्थान तक रह जाएगी और अगर कोई बड़ा लक्ष्य बनाकर बड़ा एम करके आप कोई बड़ी चीज़ टारगेट करोगे और अपने आप को किसी बड़े अहदे पर या बड़ी पोस्ट पर सोचोगे तो आपका मूल्य भी बढ़ जाएगा योर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेर यू प्लेस योर सेल्फ जिस स्थान पर आप अपने आप को रखते हैं वो स्थान निर्धारित करता है कि आपकी कीमत क्या है तो आपने सबसे बड़ी चीज जो आज की है अपने जीवन में ये फैसला किया है कि सिविल सर्विसेज में जाना है आर एस बनना है जो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ सर्व सम्मानित जो सेवाएं हैं उनमें आप आना चाहते हो तो इसके लिए आप अपने आप को शाबाशी दो आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि आपने अपने आप को कम नहीं आका आपने अपने आप को ज्यादा आका है अच्छा आका है और आपने अपने आप को एक बेस्ट प्लेस पे आकर और खड़ा करने की कोशिश की जिसके लिए आप लोग सब जो हैं और आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है वो सब के सब जो हैं बधाई के पात्र हैं रियल में बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपको लगता बहुत है बहुत छोटा डिसीजन है पर किसी से पूछो आम लोग ये डिसीजन ले ही नहीं पाते बहुत कठिन होता है क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं सबके घर में सबके कोई ना कोई समस्याएं है होती हैं और ऐसी समस्याओं से उभर कर और बड़ा कुछ सोचना जीवन में वो बहुत बड़ी बात है तो इसीलिए इस कहानी से आप ये याद रखो कि आपकी वैल्यू कौन तय करेगा आप किस स्थान पर अपने आप को रखते हो और रखने की जो है काम वो किसका है आपका खुद का है तो आप अपने आप को बेस्ट प्लेस पे रखो आपकी बेस्ट वैल्यू होगी आपका मूल्य बढ़ जाएगा तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज तो आपने आज ये कर ली है ये निर्णय ले लिया है कि आर बनना है और जैसा मैंने कहा जहां चाह है वहां राह है रास्ते आर के बहुत लंबे हैं जैसे आपने सुना होगा पढ़ा होगा कहीं तो पता होगा आपको कि आर एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं बड़े बड़े पहले होता है प्री का एग्जाम फिर होता है मेंस का लिखित परीक्षा और उसके बाद तीसरी पड़ाव जो है उसमें क्या होता है आपका इंटरव्यू तो तीन है। प्रोसेस हैं तीनों प्रोसेसेस के बीच में कुछ महीनों का अंतराल होता है कुछ मंथ्स होते हैं और ये जो प्रोसेस है अपने आप में पहले आप एक साल भर तैयारी करते हो उसके बाद आप एग्जाम देते हो एग्जाम खुद अपने आप में प्रोसेस ले लेता है एक डेढ़ साल का तो इसका मतलब ये प्रोसेस बहुत लंबा है और इतने लंबे प्रोसेस में अगर आपको टिके रहना है तो आपको एक तो होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर दिखाऊंगा समय ज़रूर लग रहा है पर मैं कर दिखाऊंगा एक तो ये होना चाहिए दूसरा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा धैर्य रखना पड़ेगा धैर्य बिना रखे जो है कोई आर एस में सफल नहीं हो सकता पूजा करके होंगे कोई उनके पेरेंट्स बुला रहे नीचे पूजा पूजा सड़ने में पूजा छिपा पूजा हाँ आप यहाँ से जाओ जाओ से आगे, यासे चारे जो चारे जो। आगे तो इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी बहुत आपको परिश्रम करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेगी पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके आप आर एस का लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे पर जैसा आपको सर ने बताया अभी अभी कि बाकी सब चीज़ों की तुलना करें अगर हम जैसे किसी बिजनेस को सेटअप करने की तुलना करें या फिर आप किसी राजनीतिक पार्टी में जाकर नेता बनने का प्रयास करें तो उसमें बहुत वर्ष लगते हैं आर तो उसकी तुलना में थोड़े कम ही वर्ष ले रहा है तो सबसे सरल तरीका अपने जीवन को अच्छा बनाने का सार्थक बनाने का क्या हो सकता है सिविल सेवाओं के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर और सीधे बड़े औहदे को प्राप्त करना इससे सरल कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है एग्जाम पास करना है उसमें टॉप किया तो आपको सर्वश्रेष्ठ जो, जो आपकी ये है सर्विसेज उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाएगी तो है तो सरल ही दूसरे चीज़ों की तुलना में पर सफर लंबा है अगर आप ये सोच कर आए हैं कि एक ही दिन में आर बन जाऊंगा तो ऐसा संभव नहीं है आपको प्रकृति से नेचर से कुछ सीखना चाहिए नेचर आपने देखा होगा अपने आप में बहुत सी चीजें सिखाता है हालांकि हम उस चीज को कभी नोट नहीं करते एक तो जो नदी है नदी में निरंतरता होती है, निरंतर बहती रहती है। वैसे ही आपको अपनी स्टडीज जो है अपनी पढ़ाई उसको निरंतर रखना है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दूसरी चीज जो नेचर प्रकृति हमें सिखाती है वो ये है कि एक दिन में कोई बदलाव नहीं होते बदलाव होने के लिए समय लगता है जैसे आपने कोई बीज लिया और किसी पौधे का बीज जो है आपने मिट्टी में डाला और आप ये उम्मीद करो एक ही दिन में पेड़ उग जाए और एक ही दिन में जो है उस पर फल लग जाए ये संभव नहीं है धीरे धीरे होती है सब चीजें तो धीरे धीरे होने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए धैर्य होना चाहिए धैर्य होगा तो चीज़ें आराम से धीरे धीरे हो जाएंगे आपको पता है एक स्टेप लेते हैं हमें हम तो हमें दूसरा स्टेप क्लियरली दिखने लगता है दूसरा लेते हैं तो तीसरा दिखने लगता है तीसरा लेते हैं चौथा दिखने लगता है इसी तरह से धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं हमारी मंजिल तक तो धीरे धीरे बढ़ना होगा आगे और धैर्य के साथ बढ़ना होगा पर मेहनत आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी कोई अगर ये कह ले कि बिना मेहनत के आर्यस बन सकते तो ऐसा नहीं स्मार्ट स्टडी करो सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करो पर करनी तो पड़ेगी पढ़ना तो पड़ेगा तो पढ़ने का लक्ष्य बनाकर आए हो और आपको पूरा ये पता है कि हाँ आप इतनी मेहनत कर लोगे तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता आपको पता है अगर आप चमकना चाहते हो अपने जीवन में लाइफ में अगर चमकना चाहते हो चमकते सितारे बनना चाहते हो तो चमकने के लिए थोड़ा घिसना तो पड़ेगा बिना घिसे तो कोई भी चीज चमक नहीं सकती तो घिसना पड़ेगा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और कुछ लोग जो किस्मत पे रोते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है मेरी किस्मत में वो नहीं है किस्मत कुछ नहीं होती आप अगर परिश्रम करो तो परिश्रम ही आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगा परिश्रम ही आपकी किस्मत के दरवाजे की चाबी है इसीलिए आप अगर मेहनत करें पढ़ाई करें रेगुलर तो आपको आर बनने से कोई नहीं रोक सकता नेवर गिव एटीट्यूड नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है वो आपको सफलता तक लेकर जाता है कभी भी बीच में थक हार के हमें अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं देना हमको निरंतर प्रयास करते रहना तभी आपको सफलता प्राप्त होगी आपको पता है कंसिस्टेंसी जिसको हम निरंतरता कहते हैं कंसिस्टेंसी या निरंतरता एक सामान्य से व्यक्ति को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकती है अगर वो लगातार प्रयास करे तो कंसिस्टेंसी कैन कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंट कोई भी एवरेज चीज को एक्सीलेंट बनाया जा सकता है कंसिस्टेंसी से आपने एक बहुत सामान्य सा एक बहुत कॉमन uh, दोहा सुना होगा करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान रस्सी आवत जात है सिल पर करत निशान तो सोचिए रस्सी भी अगर पत्थर के ऊपर निशान कर सकती है लगातार अगर वो चले उस पत्थर के ऊपर आपने ये भी सुना होगा कि पानी की बूंद किसी पत्थर पर जब लगातार गिरती है तो वो पानी की बूंद पत्थर में भी सुराख कर देती है छेद कर देती है तो हम लोग भी कर सकते हैं आप लोग भी सफल हो सकते हो अगर आप निरंतर प्रयास करो निरंतरता का मतलब क्या है यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कंसिस्टेंसी का मतलब है आप अगर ये सोचें कि मैं एग्जाम से दो दिन पहले 24 24 घंटे पढ़ूंगा रातों को सोऊंगा नहीं और एग्जाम में परफॉर्म करके मैं आर बन जाऊंगा तो ऐसा संभव नहीं है कैसे किया जाए इसको तो करना कुछ नहीं है डेली जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप कंसिस्टेंटली निरंतरता से रोज रिवाइज करें रोज चार पाँच घंटे छः घंटे भी डेली के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगी ये नहीं है कि एक दिन में आप 24 घंटे पढ़ लो 20 घंटे पढ़ लो और चमत्कार हो जाएगा एक दिन में चमत्कार नहीं होता डेली 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 थोड़ा, थोड़ा 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 पढ़ते हो तो उससे चमत्कार होता है उससे चीज़ें क्लियर होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो आज आपने पढ़ा आप थोड़ा सा उस पर विचार करते हो उसको रिवाइज करते हो दो दिन बाद दोबारा उसको रिवाइज करते हो कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कभी भी पढ़ाई करते वक्त कि एक किताब को जब हम सेकेंड टाइम पढ़ते हैं दूसरी बार थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आती तीसरी बार पढ़ते हैं तो उसमें कोई नया पहलू हमारे सामने आता है जो हमें फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आया था तो अगर आप कंटिन्यूसली रेगुलर स्टडीज करोगे एक ही चीज़ को दस बार रिवाइज करोगे बजाय के दस चीजों को एक एक बार रिवाइज करने के तो आप आसानी से सफल हो पाओगे एक चीज को दस बार पढ़ना है बजाय के दस चीज़ों को एक एक बार पढ़ने के क्योंकि एक चीज को दस बार पढ़ने से वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है जिनके अंदर आपको अगर उसकी मूल अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता है तो आप आराम से एग्जाम में उसको क्लियर कर सकते हो सब्जेक्ट को उसमें रटने की भी जरूरत नहीं होती कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना समझने वाले अंडरस्टैंडिंग बेस्ड उनको आप एग्जाम में आराम से डील कर सकते हो तो इसीलिए आपको स्टडीज में कंटिन्यूस आपको पढ़ना है डेली पढ़ना है रेगुलर पढ़ना है तभी आप सफल हो पाओगे नहीं तो एक दिन में तो सफल को कोई भी नहीं हो सकता आपको लगातार प्रयास करने होंगे दूसरी चीज आर एस में आप लोगों को पता है कि चार पेपर्स होते हैं मेन्स के सिलेबस में प्री में तो होता है आपका एक जनरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है मतलब जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होता है जिसमें चार ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना होता है और प्री में आपको केवल क्या करना होता है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं उसमें टॉप नहीं होता उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है क्वालिफाई करने के बाद आपका मेन्स का पेपर होता है मेन्स के पेपर में आपके चार सब्जेक्ट चार पेपर्स होते हैं पेपर वन टू थ्री और फोर और हर एक पेपर में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे पेपर वन है पेपर वन में आपके हिस्ट्री है हिस्ट्री भी अलग अलग है वर्ल्ड हिस्ट्री भी है राजस्थान हिस्ट्री भी है इंडिया की हिस्ट्री भी है इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री भी है एंशेंट भी है हर तरह की हिस्ट्री है इतिहास है इतिहास के अलावा आपकी इकोनमी जो है वो भी उसी पेपर में है मैनेजमेंट भी उसी पेपर में है तो पेपर वन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पेपर टू में भी आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे पेपर टू में है साइंस जोग्राफ़ी एथिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स जो है पेपर टू में और इसी तरह से पेपर थ्री में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपके लॉ है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और लास्ट जो पेपर फोर है वो आपका ग्रामर का पेपर है जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपके दे रखी है तो हर एक पेपर में अच्छा स्कोर करके आप आर एस में अच्छी रैंक बना सकते हो और पेपर फ़ोर जो है ग्रामर वाला पेपर वो पेपर फोर आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है और ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आए हैं हमने कितनी बार बचपन में विलोम शब्द रिवाइज किए हैं कितनी बार हमने प्राइवेची पढ़े हैं एन सिनोनिम्स पढ़े हैं वही बेसिक चीज़ें आने वाली तो कुछ बहुत अलग या विचित्र या कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है वो सिलेबस कौन सा है जो आज तक आपने टेंथ इलेवेंथ क्लास तक जो पढ़ा है बेसिक बेसिक वो चीज़ें हैं हर सब्जेक्ट में चाहे वो इंग्लिश हिंदी हो साइंस हो जोग्राफी हो हर एक सब्जेक्ट में आपके बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी तो इतना तो आप कर ही सकते हो जब स्कूल के बच्चे वो समझ के बोर्ड के एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आप लोग तो उनसे बड़े हो आप लोग भी कर ही सकते हो तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और कर भी सकते हो आप अब आपको जो चीज़ें RAS में ध्यान रखनी है जैसा मैंने बोला आर ए एस आर एस जो है आर फॉर रेगुलर स्टडीज निरंतर आपको अध्ययन करना है रेगुलर स्टडीज करनी है एक दिन में पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा डेली पढ़ना पड़ेगा जब तक आपके एग्जाम ना हो हम एक हफ्ते में एक दिन हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाती है उसी अच्छे दिन को लेकर खुश होते रहते दस दिन तक उस दिन मैंने मंडे को अच्छी पढ़ाई की थी उस दिन मैंने पूरी किताब सलटा दी थी उसके बाद चार पांच दिन के अब मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ उस चीज़ को तो वो सेलिब्रेशन बीच बीच में नहीं चलेगा कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी आपको तभी आपका जो है आप टारगेट तक पहुंच पाओगे उसके अलावा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपको कभी भी निराश हताश नहीं होना क्योंकि इसमें रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलता है तो कई बार आप इस लंबी तैयारी में बीच बीच में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि पता नहीं कब तो एग्जाम होगा कब मैं बनूंगा कब क्या होगा तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा एक दिन में कुछ भी नहीं होगा तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक ही होगा सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक हो जा होगा तो पॉजिटिव सोचो कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ बस मुझे मेहनत करनी और बाकी लोग जो टॉप में आते हैं वो भी क्या करते हैं वो भी ये सिलेबस को भी फॉलो करके आते हैं ना टॉप में तो आपको भी सिलेबस को फॉलो करना है तीसरी चीज जो है वो है सेल्फ असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का निष्पक्ष आपको मूल्यांकन करना है ये सब जिसने कर लिया वो बन सकता है आर एस निष्पक्ष मूल्यांकन का यहाँ पे क्या मतलब है सेल्फ असेसमेंट वो भी अनबायस्ड असेसमेंट मतलब आप जब पढ़ रहे हो आप जब अपना आंसर लिख रहे हो तो आप अपना आंसर लिखते हैं या निबंध लिखते हैं हमें लगता है कि मैंने जीवन में या हम मैंने सबसे अच्छा निबंध लिख दिया है जीवन का सर्वश्रेष्ठ निबंध लिख दिया इसमें कोई कमी नहीं है और कोई अगला बंदा आके अगर कमी निकालता है तो आप उसमें चिड़ जाते हो इतना तो अच्छा लिखा है तेरे से तो इतना भी नहीं लिखा जाता लिख के दिखा देखे तो हम लोग थोड़ा सा हमारी जो क्रिटिक्स होते हैं या हमारी कोई आलोचना करता है तो उसको हम पॉजिटिवली नहीं लेते आलोचना को पॉजिटिवली लेना है खुद की चीज को भी आपको पॉजिटिवली लेकर खुद को सेल्फ असेस करना है बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन करना है किसी सब्जेक्ट में आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें यह ना सोचे कि चेकिंग गलत हो रही है शायद नहीं तो मैंने तो करा तो बहुत अच्छा है पता नहीं चेक करने वाले न, नंबर ही नहीं दिए कोई तो कमी रही होगी उस कमी को सुधारते जाना है तैयारी के दौरान अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे अपने आप का निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि हर टेस्ट में आपके जो नंबर आ रहे हैं अगर कम आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है कोशिश करें उसमें सुधार लाने की कि, कि किस तरह से आप अपने उत्तरों को और बे, बेहतर बनाएं, अपने आंसर्स को और बेटर करें ताकि आगे से आपको मार्क्स अच्छे मिले आपको पता है वीकली टेस्ट होते हैं हर मंडे को टेस्ट होता है वीकली टेस्ट में आपकी जो कॉपीज चेक होके आती हैं उसमें कभी आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो सकते हैं किसी में ज्यादा हो सकते हैं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको किस पे है जिनमें बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं उसमें ध्यान दो कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं सिवाय ये करने के कुछ लोग उस सब्जेक्ट को एक ही इसमें तो आते ही नहीं कितना भी पढ़ लूँ नहीं आते मेरे नंबर ऐसे छोड़ देते हैं ऐसे छोड़ना नहीं है आपको पूरा देखना है कि कहाँ कमी रह रही है और उस कमी को आपको सुधारना है अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते गए अपनी कमियों में सुधार लाते गए कमियों में सुधार तभी हो सकता है जब अपना आप अपना असेसमेंट करें आप अपना मूल्यांकन करें कि मैं हाँ कम कहाँ पे हैं कमी कहाँ पे रह गई क्या सुधार हो सकता है तो अगर आप अपनी कमी को पहचानेंगे तो आप आगे चल के सुधार कर पाएंगे तो सुधार करने के लिए पहली चीज़ क्या है कमी को पहचानना तो आर बनने के लिए रेगुलर स्टडीज़ करो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो सेल्फ मोटिवेटेड रहो हमेशा अपना जो है एनर्जीज को हाई रखो और तीसरी चीज़ जो है अपना सेल्फ असेसमेंट स्वयं का मूल्यांकन करते रहो कि क्या कमी है कहाँ सुधार की गुंजाइश है तो आप आर एस जरूर से आसानी से बन सकते हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी तो आर एस जो है बनने का सफर लंबा जरूर है पर अगर आपने निरंतर अध्ययन किया निरंतर प्रयास किया सिलेबस पूरा कवर कर लिया तो आप जरूर सब लोग जो यहाँ बैठे हैं सबके सब, सब आर एस बन सकते हैं कोई एक ही नहीं कोई ये ना सोचे कि मेरे ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम थे तो मैं नहीं बन सकता सब बन सकते क्योंकि इस काल के दौरान इस टाइम के दौरान जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टाइम मेहनत कर लो इस टाइम अपना पूरा जीवन पूरा अपना जो लाइफ है वो इस तरह से बनाओ कि आपका पूरा टाइम किसके लिए हो स्टडीज के लिए अध्ययन के लिए तो आप जरूर से सफल हो और सफल होने के बाद जो आनंद की आपको प्राप्ति होगी उस आनंद को शब्दों में वर्णन करना ही मुश्किल है कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता लोगों का नज़रिया सोसाइटी का नज़रिया आपके प्रति बिल्कुल बदल जाएगा लोग आगे से आएंगे जो रिश्तेदार आज आपको पहचानते भी नहीं हैं वो आगे से आएंगे कि मैं तुम्हारे काके के मामा का भतीजे का पता नहीं वॉट 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 हूँ वो दूर दराज के रिश्ते निकाल निकाल के आएंगे अरे आपने मुझे पहचाना नहीं मैं ये हमारा भी ध्यान रखना तो ऐसा होगा आपको जो है सोसाइटी में जो आज कोई नहीं जानता है बाद में आपको लोग अपने आप जानेंगे और जो नहीं भी जानता है वो कहीं ना कहीं से आपके साथ जानकारी निकालेगा आपसे आकर मिलेगा आप किसी पार्टी में जाओगे किसी गैदरिंग में जाओगे वहाँ दो लोग आपसे आकर आगे से आकर मिलेंगे अभी तो ये होता जा जा जाके मिलते अरे मामा जी मेरे को पहचाना नहीं मैं दूर का कोई कजन है या कोई भी है तो आप खुद जाकर इंट्रोड्यूस करते हो अगर आप सफल हुए आप बड़े अधिकारी बने आप सिविल सेविस सर्विसेज में आए ये इतना सम्मानजनक सेवाएं है, इतना प्रेस्टीजियस हैं इतना प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं कि इसमें आने के बाद इंसान की खुद की प्रेस्टीज भी बढ़ जाती उसका सम्मान समाज में जो है बढ़ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है समाज आपको पहचानने लगता है लोग आपको पहचानने लगते हैं आगे से आकर लोग मिलते हैं सम्मान करते हैं आज जो उंगलियां आप पे उठ रही हैं कल को वही उंगलियां जो हैं क्या करेंगे आपके लिए तालियां बजाएंगी वही लोग कहेंगे देखा मैंने कहा था ये बच्चा जरूर कुछ करके दिखाएगा जीवन भले ही तैयारी के दौरान वो कहते हो कि पता नहीं क्या करता है रोज इधर उधर घूमता फिरता है पढ़ता तो है नहीं कभी मैंने देखा नहीं पढ़ते हुए तो और पैसे बिगाड़ रहे मम्मी पापा के यही कहते हैं लोग तो पर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप इन लोगों के मुंह बंद नहीं कर सकते तो आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं आप सिर्फ अपना निरंतर प्रयास करते रहें सफलता अपने आप सब चीज़ों का जवाब दे देगी आप तैयारी इतनी स्ट्रांग करें कि आप जरूर से सफल हों और सफल होने के बाद आपके जो भी आलोचक हैं वो आपके प्रशंसक बन जाएंगे तो आलोचक जरूर से प्रशंसक बनेंगे अगर आप सफल हुए तो और सफल होना ना होना किस पे निर्भर करता है आप पे या समाज पे या दूसरे आलोचकों पे? आप पे निर्भर करता है आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो आप अगर रोज के रोज डाइवर्ट हो इधर से उधर इधर से उधर आज ये कर लूँ कल ये कर लू तब तो नहीं होगा दो नाव में कोई भी सवार होके नहीं चल सकता और दरिया दो नाव में सवार होके पार नहीं किया जा सकता अगर दरिया पार करना है तो एक ही नाव पे सवार होना पड़ेगा लक्ष्य स्पष्ट रखना पड़ेगा तभी आप सफल हो सकते हो वरना आपको मुश्किल होगी आगे आने वाले सेशन में आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा और दूसरी चीज जो है यहां पे अभी आगे मेरे बाद जो आने वाले हैं वो हैं एक तो सरिता शर्मा मैम आने वाले जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी और लास्ट में मेरे बाद बस अब दो ही लोग आने वाले एक तो टॉपर आने वाले और एक दिलीप सर आने वाले दिलीप सर जो कि स्प्रिंग बोर्ड के डायरेक्टर हैं तो दो लोग और हैं उनकी और बातें आप सुन लीजिए आपको उनसे एक्सपीरियंस उनके माध्यम से आपको मिलेगा अब ये सब चीज़ें जो हैं विजय सर ने काफ़ी कुछ बता दिया मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आगे आप आओगे स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन करोगे तो आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आर एस की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत ही आ, अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का सिविल सर्विसेज चाहे वो यूपीएससी हो चाहे आर हो इनकी तैयारी करने से ही हमारा माइंडसेट इतना ब्रॉड हो जाता है हमें इतनी सारी चीज़ें समझ में आने लगती है वही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और सफलता भी ज़रूर मिलेगी अगर निरंतर प्रयास आपके रहेंगे तो अब देखिए सरिता मैम जो आने वाली हैं नेक्स्ट सरिता मैम के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ सरिता मैम ने आर एस क्लियर किया, हज़ार 2016 भी क्लियर किया पर होता यह है कि कभी कभी जो है आ, रैंक उतना अच्छी नहीं बनती है तो सबौर्डिने, मिल जाती है। तो उनका आर में सिलेक्शन हुआ दोनों बार 13 में और 16 में पर उनको मिली सबॉर्डिनेट सर्विसेज उन्होंने ज्वाइन किया सबऑर्डिनेट सर्विसेज को पर उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी उन्होंने आगे 2018 का 2018 का जो आर का एग्जाम हुआ उसको भी दिया और 2018 का जब एग्जाम दिया उन्होंने तो उसमें उनकी रैंक बनी 21 21वीं रैंक बनी जो कि एक टॉपर लिस्ट में है और 21वीं रैंक बनने के कारण उनको जो है अब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मतलब एसडीएम की जो पोस्ट है वो उनको मिल चुकी अभी वो जयपुर में ट्रेनिंग के दौरान यहाँ जयपुर में आई हुई हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि ट्रेनिंग के दौरान वो जयपुर आए हुए हैं और हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं मिल सकते हैं अब आप सोचिए सरिता जी जिन्होंने 2013 में भी दिया एग्जाम 16 में भी दिया अगर वो 13 और 16 के एग्जाम से ही उसके रिजल्ट से ही संतुष्ट होकर वहां रुक जाती तो क्या कभी वो एस बन पाती या इक्कीसवीं रैंक कभी प्राप्त कर पाती इतने बड़े औहदे पर या पोस्ट पर वो पहुंच पाती नहीं तो इसीलिए थोड़ा सा दृढ़ संकल्प होना चाहिए मतलब आपका निर्णय जो है वो ऐसे डगमग ना हो अगर क्लियर होगा लक्ष्य तो आप जरूर देर सवेरी सही पर पहुंचोगे जरूर मंजिल तक जैसे सरिता मैम पहुंची हैं इक्कीसवीं रैंक बनी है इनकी तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बार एग्ज़ाम देना उसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है एक दो बार एग्जाम देते हैं इंसान हार जाता है और आपको पता है जब दूसरी तरफ एक तरफ तो तैयारी चल रही होती दूसरी तरफ महिलाओं की और गर्ल्स की लाइफ में दूसरी चीज़ें भी चलने लग लग जाती पेरेंट्स शादी करवा देते हैं तो इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई सरिता मैम की शादी के साथ साथ इसी तैयारी के दौरान उनके जो है बेबी भी हो गया तो सोचिए किस तरह की परिस्थितियों में इंसान उससे भी लड़कर और उस दौरान भी तैयारी करके अगर वो टॉप कर रहा है तो कितनी बड़ी बात है आपको बताएं कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है शादी के बाद और बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं उन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने तैयारी की है और तैयारी के बाद जो है उन्होंने इतनी अच्छी रैंक पे सिलेक्शन प्राप्त किया आप खुद के बारे में सोचो आपकी परिस्थिति काफ़ी बेटर है अभी आप में से कई लोग कई लोगों की जिम्मेदारियां होंगी पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बस ग्रेजुएशन करके आए आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है आपकी कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है अभी आपका सिर्फ एक काम है पढ़ना तो ये तो कर ही है सकते हैं हम ईमानदारी से कई लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं आप लोगों को कम से कम कई लोगों को ये तो नहीं करना ना पूरा कंप्लीटली स्टडीज पे ओरिएंटेड रहना है तो जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो और जज्बा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि मेरे को तो केवल पढ़ना ही तो है एक ही तो काम है वो तो मैं ढंग से कर सकता हूँ कर सकते हो ना तो चलिए अभी जो है आपका ज्यादा समय ना लेते हुए